जन सरोकार मंच टॉक के आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, अशोक जी सक्सेना साहब का बहुत बहुत आभार। आज टोडराई सिंह निवासी हरिराम जी पेंटर साहब से वार्तालाप करने का जो मौका प्रदान किया, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे वार्ता के मध्य श्री हरिराम जी गौड़ निवासी टोडराई सिंह, जो मेरे क्लास साथी भी हैं, जिनका अनुभव पेंटिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा रहा है। हरिराम जी को मैं 1980 से जानता हूँ। आप स्कूली विद्यार्थी रहते हुए भी पेंटिंग का काम करते थे और आज बहुत ही मशहूर पेंटिंग के मामले में आप आगे बढ़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिराम जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने ये पेंटिंग कार्य कब से शुरू किया और किसकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आपने शुरू किया? ये पेंटिंग का काम हमारा पैतृक काम था। पैतृक हमारे पूर्वजों से चल रहा है। हमारे पिताजी के पिताजी भी यही चित्रकारी का ही काम करते थे और हमारे पिताजी भी एक ये काम करते थे। हम भी 11वीं क्लास तक पढ़े। पढ़ने के बाद में फिर हमारे को इसी काम को पकड़ना पड़ा और 1980 से हमने अपने पूरा इस चित्रकारी का काम संभाल लिया। वैसे तो काम में अपनी 10-12 साल की उम्र से करने लग गया था और फिर उसके बाद में जैसे जैसे मेरे को काम आता गया, आगे बढ़ता गया, तो मैं 1978 में मैंने 10वीं पास कर ली थी और 10वीं में मैं फेल हूँ। 1978 में 10वीं कक्षा फेल होने के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैंने साल भर पेंटिंग का काम करके और मेरे गुरुजनों ने बोला कि 10वीं तो पास करो, तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भर के 1979 के अंदर मैंने प्राइवेट में कक्षा 10 पास की और फिर मेरे गुरुजनों ने बोला कि तू वापस स्कूल में आ जा और तेरे को भर्ती कर लेंगे। तो मैं पेंटिंग काम भी करता रहा और मैंने 1980 के अंदर वापस स्कूल में दाखिला लेके कक्षा 11वीं पास की। तो मेरी याददाश्त भी, मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाई के मामले पुस्तक खोल के धड़ा के नहीं पढ़ा। स्कूल में जो गुरुजन पढ़ाते थे उसी को पढ़ के मैंने 11वीं कक्षा तक पास की है और आज भी मेरी याददाश्त मेरे को पूरी पढ़ाई अभी भी याद है और उसी वजह से मैं चित्रकारी में आगे बढ़ा। बाकी मेरे को चित्रकारी में इतनी रुचि भी नहीं थी लेकिन पैतृक काम होने की वजह से कर लेते थे। और बाद में जब गृहस्थी का हमारी 1980 में शादी हो गई, उसके बाद में गृहस्थी की सारी बागडोर आ गई और उसके बाद में हम चित्रकारी का काम मैंने पकड़ा। तो हमारे पिताजी का काम कुछ अलग टाइप का था, अब जमाना बदल गया था, नए जमाने की पेंटिंग आ गई थी। तो मैंने अपने स्वयं प्रेरणा से मेहनत करके दिन रात और सभी प्रकार की लिखाई, ये लिखाई बोर्ड वगैरह और मंदिरों की चित्रकारी, फोटो पेज टू पेज फोटो बनाना, बैनर बनाना, ये फिल्मी लाइन का काम करना, ये सब काम मैंने अपने अपने दिमाग में, मैं किसी के पास सीखने नहीं गया, केवल पिताजी का थोड़ा बहुत अनुभव था। उसके बाद में मैंने अपने स्वयं, क्योंकि मेरे जो मिलने वाले थे हमारे, मेरे इस बीच में एक राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा आए लेकिन उनका कोई ईश्वर की कृपा से बीच में ही उनका हमारा साथ छूट गया, लेकिन भगवान की कृपा फिर हुई और हमारे को हमारे फिर एक हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र प्रसाद जी विजयवर्गीय मिल गए और उनका हमारा खूब साथ रहा और उन्होंने मेरे को अपने बड़े भाई के तुल्य प्यार दिया और मेरे को साथ रखा, हर तरह की मेरी सहायता करते रहे और मेरे साथ हर जगह काम भी करते रहे। वो भी उनका काम करते थे और काम करते करते हम आगे बढ़ते रहे, उसी प्रेरणा से आगे बढ़ते गए। और 1978 में जब मैं फेल हो गया तो मेरे को मेरे चाचाजी ने मेरे नाम चुपचाप रावण के पुतला बनाने का एक ठेका छुड़ा लिया 632 रुपए में और मेरे को बोलते कि तेरे नाम ठेका छूट गया है तो अब अपने तेरे को और मेरे को रावण बनाना है। और वैसे हमारे टोड़ा में रावण कभी बनता ही नहीं था, रावण देन होता ही नहीं था। उसके पहले हमारे मटकी के रावण बना के फोड़ते थे और कथा करके घर आके
दशहरा समापन होता था, तो हमारे नगर पालिका में एक जयपुर के ही एक अधिशासी अधिकारी आए, वो थे तो मुसलमान लेकिन वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, और उन्होंने जब मिट्टी के ये रावण और ताड़ का फोड़ने का कार्यक्रम देखा तो उनको बड़ी खिन्नता हुई, और वो नगर पालिका में बोले कि यार यहाँ ऐसे दशहरा बनता है क्या, यहाँ रावण नहीं बनते है क्या? तो बोले कोई चित्रकार से मुझे मिलाओ, तो कोई रावण बनाते तो मैं चाहता हूँ या नई परंपरा कायम हो। तो उन अधिशासी अधिकारी ने हमारे पिताजी को बुला के बोले कि आप छोटा मोटा एक रावण बनाओ तो यहाँ नई परंपरा चालू हो जाएगी, और फिर आपको भी हर साल नगर पालिका से हम रावण बनाने का काम देते रहेंगे। तो उन्होंने हमारे पिताजी ने 100 रुपए मांगे उस जमाने में, ये 1967 की बात है, 1967 में 100 रुपए की मांगे थे, तो नगर पालिका वालों ने बोले कि हमारे पास 100 रुपए नहीं है, हम आपको केवल 40 रुपए देंगे। तो हमारे पिताजी ने 50 रुपए भी नहीं देके 40 रुपए में प्रथम रावण बनाया, और उसके बाद में से रावण बनाने की और रावण बहन की टोड़ा में परंपरा चल चली, और वो रावण बनाते रहे, हम देखते रहे, तो उनसे हमारे को कुछ सीखने को मिला। और जब 1978 में मेरे को जब रावण का ठेका मिला तो मैंने पहला रावण बनाया, और उस रावण में हम सफल रहे, और उसके बाद में फिर मेरे को भी एक नई हिम्मत भी मिली और रावण बनाने का तजुर्बा। उसके बाद से मैं 1980 के बाद में मैं कंटिन्यू रावण, एक दो बीच में रावण को का ठेका छोड़ के बाकी मैं कंटिन्यू रावण बना। अब तक लगभग मैं टोडाराय सिंह नगर पालिका के 38 रावण बना चुका, 38 वर्षों से मैं ठेका ले रहा हूँ, और इसमें 15 फुट से लेके 40 फुट तक के रावण भी बीच में से कभी छोटे बड़े कई समस्या आई, कभी प्रशासन काल रहा तो उस टाइम में छोटे रावण बनते थे और चेयरमैन के कार्यकाल में बड़े रावण बनते थे। अब इनकी राशि 2000 यानी 40 रुपए से लेके 200 रुपए तक, 200 से लेके 800-900 रुपए में रावण बनते बनते फिर 1000 रुपए भी आई, 1000 रुपए से 2000 रुपए, ऐसे करके आज हमारे को एक रावण के 30,000 से लेके 50,000 रुपए देते। लेकिन ये हमारे को, ये तो हम दानकार हैं और हमारे को अनुभव इसलिए हमारे पोसा जाता है कि हम घर का काम, पेंटिंग का काम हमारा घर में काम है, इसलिए हमारे को इतना वो बनाने में ज्यादा वो दुविधा नहीं होती, और हम घर का पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी धर्म पत्नी सब लग के हम सारे घर के ये समझते हैं कि अपने को 200-150 रुपए रोज की मजदूरी मिल रही है, अपना घर का धंधा है और अपना विश्वास है लोगों में, और लोग अपने पे अपनी कला को भी अच्छा बताते हैं। तो ये प्रयास हमारा काफी वर्षों से चल रहा है, और हम भी कई बार कई प्रकार की परेशानी आती थी तो छोड़ कहते थे, हम जब भी रावण खड़ा करते थे बहुत परेशानी आती थी तो हम थोकन खा के आते थे, भाई अगले साल दशहरा का रावण का ठेका नहीं लेना, अगले साल आएंगे नहीं, चाहे अपने को 1,00,000 रुपए भी दे तो भी नहीं आना। इसमें बहुत परेशानी आती है, रावण बनाना बहुत आसान है, रावण कोई भी बना सकता है, लेकिन रावण बना के उसको समय पे बना के समय पे खड़ा कर देना वैसा का वैसा सबसे भारी काम है। मेरे को सबसे इसमें भारी काम लगा रावण को प्लस पॉइंट करके और खड़ा करना। रावण तो मैं कहो तो 4-4 दिन में एक रावण बना दूं, वैसे तो हमारे को अभी 10 दिन तो कम से कम लगते ही है, और अब कोरोना काल के अंदर तो ऐसा हो गया कि हमारे को 3 दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन में ऑर्डर मिलता है, 3 दिन में राउंड बना के देना पड़ता है, तो एक बहुत भारी काम हो जाता है। इसमें कई बार बरसात की मौसम खराब हो जाती है, सूखने का रहता है, और अब इसमें बीच में कई प्रशासनिक समस्याएं भी आ जाती है। अभी कोरोना काल में साहब प्रशासन का राउंड नहीं बनाओगे, आतिशबाजी नहीं लगाओगे, इतना बड़ा राउंड क्यों बना रहे हो, किसको पूछ के बना रहे हो, कई प्रकार की समस्या आती है, उनका भी सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव रहता है, काम का तनाव रहता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है। अब ये राउंड बनाना कोई आसान काम नहीं है, लोग तो कहते रहे कि क्या लगाता है क्या बनाता है, हम ही बना दे ऐसा राउंड, लेकिन मैं कहता हूँ एक भाई साहब बाबू जी एक बार आप ठेका ले लो अगले साल, आप फिर यार टुड़ा में नजर नहीं आओगे, क्योंकि मेरा अनुभव है कि हमको भी इतने वर्षों में आज 40 साल का अनुभव हो गया, कम से कम राउंड बनाते, मैंने कई परेशानियों का, आर्थिक समस्याएं, पास में पैसे नहीं है उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उस जमाने में 800 रुपए का ठेका होता था, लेकिन 800 रुपए में से जैसे हम कलाकार आदमी है 50% तो 50 यानी 800 का ठेका है तो 400 से लेकर 500 रुपए खर्चा होता, हमारे 300 रुपए के आसपास कोई मेहनताना बचता था, वो हमारे पेंटिंग का मानो या हमारे बच्चे बच्चों का मानो या मेरा को मानो, तो इसमें हर बात का पैसा लगता था। आज हर सामान महंगाई बढ़ गई, किसी जमाने में हमारे के रावण के पुट्टे वगैरह दुकानदार फ्री में देते थे, भाई साहब ले जाओ दिवाली का कचरा साफ कर रहे हैं, आज ये पुट्टे हमारे को 15 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो भी हमारे को 9 रुपए खाने टाइम पे उपरा दिए भाई साहब, शाम को आना अभी दुकान बंद कर रहे हैं, अभी दुकान खोल रहे हैं। तो सामानों की बड़ी परेशानी होती है, कभी बांस लेने हमारे को टोडा राय सिंह में नहीं मिलते, हमारे गाँव में पैतृक गाँव में बाहर से केकड़ी से मालपुरा से देवरी से लाने पड़ते हैं,
अब इस समय के बीच में कहीं बाहर हमारे को बाहर के भी जब हमारी राउंड ना हमने अच्छा बनाना लोगों को प्रशंसा हुई तो लोग हमारी पोर्ट में वगैरह बाहर जाने लगे तो लोग हमारे पास में बाहर से भी आने लगे, जाजपुर से आने लगे, केकड़ी से आने लगे, देवरी से आने लग गए, मालपुरा से आने लग गए, जयपुर से आने लग गए। लेकिन हमारा तो क्या पता इस मातृभूमि के प्रति ज्यादा ही प्रेम रहा, वो इस मातृभूमि का है क्या पता क्या है। और मेरे को लोभ लालच भी नहीं था, मेरे को जितने भी ठेका दिया जो भी पैसा जैसे भी कम बत्ती करके दिया मैं उसमें संतोष करके। और टोडा राय सिंह की नगर पालिकाओं के मैं कहता हूँ कि शायद ऐसा कोई बनाने वाला कोई माई कोई ऐसा लाल झंडे 40 साल बना के 40 साल में दे दे, नहीं तो 2-4 साल में आदमी परेशान होके वो कहता था कि भैया कोई बचत नहीं है। लेकिन कोई भगवान ही को अनूठी हिम्मत कोई अनूठी हिम्मत दे रखी है। और आज मेरी उम्र 60 के करीबन पहुंचने जा रही है, वैसे तो पेंशन की उम्र में साल भाई कम मान लो, लेकिन फिर भी आज भी तब रावण का ठेका देने का टाइम आता है तो न जाने कहां सीमत आ जाती है, तैयार हो जाते हैं रावण मारने का। तो हमारे मित्रों का भी बहुत सहयोग है इसमें, वो भी हमारे को बहुत हिम्मत बनाते हैं। और अब इसमें मैं तो कोई युवा पीढ़ी को ये कहता हूँ कि भैयाओं मैं अगर आप जो व्यवसाय की दृष्टि से अगर इस धंधे को तो मैं अपनाने की आपको सलाह नहीं देता हूँ कि आप रावण बनाने का काम सीखो या बनाओ। अगर आपके मन में कोई अगर उत्कंठा है ना है आप भी चाहो कि हम भी रावण बनाएं और हम भी दुनिया के सामने आए तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए। अब आप उसमें कहाँ तक सफल होते हो ये तो भगवान के ऊपर है, क्योंकि देखो आदमी अगर प्रयास करता है तो जरूर सफल होता है और सफलता उसको जरूर मिलती है। और मेरा भी मेरे को यही अनुभव अपने जीवन में मिला है कि आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर हिम्मत हार गया तो आदमी कभी सफल नहीं होता। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अच्छे पिता की संतान हूँ और मेरे नाम हम दो भाई हैं और हमारे पिताजी ने मेरे को 8 साल की उम्र में दूसरे को गोद दे दिया, दत्तक पुत्र हो गया मैं, दूसरे मेरे मामा के गोद चला गया। तो मेरे पिताजी की सारी संपत्ति में से मेरा गोद लिया और मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने 8 रुपए रोज में मजदूरी करके और अपना मकान भी स्वयं बनाया है और मैं अपना मेरी 17-18 साल की उम्र में शादी, उसके बाद में मेरे 5 बालिकाएं और 2 बालक, यानी बहुत कम कमाई में मैंने अपनी गृहस्थी चलाते हुए और समय समय पर हर प्रकार की अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए खूब सेवाएं की है, धर्म के प्रति भी खूब सेवाएं की है, समाज के प्रति भी समर्पित हुए खूब सेवा की। और मैं संघ से मेरी भावनाएं संघ से जुड़ी हुई थी और संघ से जुड़े होने के नाते देश के प्रति समर्पित भावना मेरे में बचपन से थी और वो आज भी मेरे रगों में कूट कूट के भरी हुई है। और इसी प्रेरणा से मैंने इस 2020 के अंदर तो मेरा जीवन भी खतरे में था और मैं भी किसी बीमारी से पता नहीं किस बीमारी से ग्रसित हो गए और लोगों ने कह दिया था कि पेंटर साहब कुछ दिनों के मेहमान हो मिले आओ, तो मेरे से बहुत लोग घर पे मिलने आते थे। लेकिन भगवान ने मेरे को नया जीवन दा के बताया, इसमें हमारे भाई साहब राजेंद्र जी का बहुत सहयोग है तो उन्होंने उस कर्फ्यू के अंदर मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और यह तक जयपुर ले जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन भाई साहब ने हिम्मत करके डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी गुजर को मेरे को दिखा के और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे को 1 घंटे में स्वस्थ कर दिया। और भगवान की कृपा है और मेरा परिवार वालों ने मेरी खूब सेवा की और मैं स्वस्थ हो गए। और मेरे यह निश्चय हमने का बाकी बचा जीवन वो देश सेवा में अपने को पैसे से शुरू से बचपन से प्यार नहीं था, पैसे से कोई अपना वास्ता नहीं है, पैसा इतना ही चाहिए कि अपनी गृहस्थी चल जाए, बाकी राष्ट्र के प्रति अपने देश के प्रति अपने समाज के प्रति अपनी नागरिकता के प्रति अपने दायित्व निभाते हुए और संविधान का कानून का पालन करते हुए और अपने सत्य निष्ठा से। और मेरा मन मेरे को बहुत लोग कहते हैं पेंटर साहब आपको कमाना नहीं आता, मैं उनकी बात का भी मैं अनादर नहीं करता, लेकिन मेरी आत्मा मेरे को गवाह नहीं देती कि मैं किसी से 10 रुपए के 20 रुपए काम करूँ, मेरे को कुछ हो के 10 के 5 भी दे जाता है मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ और मैं इसी को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूँ। बहुत से लोगों को तो मैं आशीर्वाद ही प्राप्त करता हूँ, भाई साहब पैसे नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद दीजिए, और उन लोगों का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा भरा हुआ है। मेरी सबसे बड़ी एफडी आशीर्वाद ही है साहब, मेरे बैंक का खाता चेक कर लीजिए कोई पैसा नहीं है मेरे पास, नील बटा नील है। तो पैसा इतना ही कमाते हैं कि घर में पूरा हो जाएगा, कर्जे वो चढ़े रहते हैं, नल बिजली के बिल चढ़े रहते हैं, इतने बड़े कलाकार की क्या हालत है। क्यों अभी गवर्नमेंट तो कोई योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाती है हमारे जैसे कलाकारों को, कोई हम तो गुदड़ी के लाल है, एक गांव में छठ जन्म लिया है छोटे परिवार में पैदा हुए हमारे जैसे कलाकारों को, न तो कोई किसी मंच तक या किसी संस्था तक या किसी
कलाकारों की बहुत बहुत ही संस्था है, लेकिन मेरे से भी बढ़िया बढ़िया कलाकारों बेचारों को वो अपने घर में अपने आंगन में छोटे से बड़े होके और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और उन कलाकारों की कलाएं दबी रह जाती है। तो मैं तो आज की जो प्रशासन से सरकार से भी यही चाहता हूँ कि वो ऐसे कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के आगे लाए और चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कोई प्रतिभा है तो उसको आगे आना चाहिए, अपना कला का प्रदर्शन करना चाहिए और अपने देश समाज और अपने गांव अपने सबके लिए समर्पण भावना से काम करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हरिराम जी पेंटर साहब। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने छोटी सी उम्र में पेंटिंग का कार्य अपने पिताश्री के आशीर्वाद से आपने शुरू किया और इस मुकाम पर पहुंच गए आप कि आज आसपास के जिलों के नगरपालिका वाले आपसे रावण बनाते हैं। आपकी आपके हाथ में एक कला है, हुनर है और उस हुनर को आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ रावण बनाते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि रावण बनाते समय आपके परिवार के जो लोग हैं क्या उनका भी सहयोग रहता है इस कार्य में? आपकी धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, क्या सहयोग रहता है इनका बताएं। इसमें परिवार का बहुत सहयोग रहता है, बहुत बड़ा उनका योगदान है, उनके योगदान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और आज उन्हीं की मेहनत से जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही मेहनत वो लोग भी करते हैं। उसमें जैसे हमारे सारा इसका कागज कागज का बनता है रावण, मुकुटे हैं, मुकुट है, ढाल है, तलवार है, सब कागज उठाना पड़ता है, इसको 5-7 दिन बनाने में सुखाने में लगता है, तो वो सब काम वही करते हैं और मैं भी उनकी सहायता करता हूँ। और पेंटिंग के जो कपड़ों की चित्रकारी हो, मुकुटों की चित्रकारी हो, ढाल तलवारों की हो, उसका पहनावा हो, तो वो पेंटिंग का काम मैं करता हूँ, बाकी के वो जो काम वो हमारे हमारे धर्म पत्नी हमारी बच्चियाँ, अब तो वो बाद में से 4 की शादियाँ हो गई है कि बच्चे हमारे पास में, बाकी वो जब हमारे पास थी वो तब दिन रात लगी रहती थी और हम दिन रात अथक प्रयास करके कठिन मेहनत से जो हमारी खरी कमाई का पैसा था जो हमको मिलता था हमें अब भी कमा रहे हैं, वो उस समय भी कमा रहे थे। तो परिवार के सहयोग के बिना असंभव है साहब, बिना अभी भी मैं अब तो मैं परिवार वालों को पूछ के ठेका लेता हूँ साहब, हमारे परिवार वालों से हमको अब तो कहने लगे कि अब तो पीछा छोड़ो रावण का और अगले साल ठेका मत लाना ठेका लाओ तो आप जाओ आपका रावण जानो, लेकिन फिर भी मैं उनको कैसे नहीं, क्या पता क्या है, कोई भगवान की कृपा है और इस क्या पता इस रावण का भी हमारे प्रति कुछ ज्यादा है, मेरे को तो प्रेम ही लग रहा है। शायद आप कहीं भी आप राजस्थान में मालूम करो तो आपको शायद ढूंढने से कोई 40 रावण को कंटिन्यू बना दियो अपनी लाइफ में, क्योंकि बीच में किसी का इंतकाल हो जाए, बीमार हो जाए या हाथ पैर जवाब दे दे, नजर कमजोर हो जाए या तो ये क्या पता राहुल देवता हमसे कोई ज्यादा ही प्रसन्न नजर आए तो क्या हमसे ही बनना चाहते हैं, क्या पता ये तो मैं भी। लेकिन हम मैंने एक बात है, इस राउंड का कोई मेरे से कोई अगले जन्म का कोई प्रेम है और मैंने इस राउंड में कभी काड़ा नहीं काटा, काड़ा बोला यार नहीं, राउंड हमारे को सब कह दिया पेंट साहब क्या है तो 2 मिनट में जल जाएगा यार, इतनी मेहनत काहे को करते, काली मुझे बना दो, काली आंखें बना दो, काला कपड़ा लपेट दो, लेकिन मैंने राउंड को तन्मयता से बनाया और तन्मयता से बनाने के पीछे ये मेरी रावण की प्रसिद्धि जो है मेरी मेहनत है कि मैंने इसमें चाहे 2 दिन के बजाय 4 दिन लग गए, चाहे मेरे को खाना पीना लेट सेट खाना पड़ा, चाहे एक टाइम भोजन किया, बाकी मैंने उस काम में कभी भी खाना पूर्ति नहीं की और मेरे को काम पसंद नहीं आया तो उसको तोड़ देता था या दोबारा पोत देता था और उस काम को जब तक मेरी नजर से मैं संतुष्ट नहीं होता था उस काम को फाइनल नहीं करता था। और उसी वजह से आज मेरे को जो कला में जो स्थान मिला है, जो लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, जो स्थान मिला है उसके पीछे मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरे काम में सफाई और मैं अपने काम के प्रति जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं मेरी इच्छा नहीं होती कि ये काम सही हुआ है और मैं कई बार मेरी आत्मा गवाह देती इस काम के पैसे नहीं लेने, जबकि लोग जो काम हो जाए उसके पैसे गजर भाई हो गए तेरा काम पैसे दे, लेकिन मेरे पास में माँ सरस्वती का ही मैं आशीर्वाद मानता हूँ कि उस माँ सरस्वती ने मेरे को इस कला की अनूठी इन हाथों में मेरे को कोई जादू ही दिया है कि हम अगर गणित लकीटा भी खींचे तो वो चित्री बनता है। मैं तो कई बार देखो मानव स्वभाव है
थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि शायद मेरे में 100% में से 1% घमंड है, 99% घमंड नहीं है। तो मैं कई बार भाव इसमें कह देता हूँ, मैंने कहा रहे तू गधे की टांग नहीं, घोड़े की टांग नहीं बना सकता, तू घोड़ा क्या बनाएगा। तो वो बोले कि भाई साहब आप बना दो क्या घोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बोल तू क्या बनाना चाहता है, सींग बनाना चाहता है, पूंछ बनाना चाहता है। तो साहब हम तो कहते, मैंने कहा तो अगर तू खुद बना देगा तो मैं पूरा घोड़ा बना दूंगा। तो साहब घोड़ा बनाना आसान है, घोड़े का कुन नहीं बनता, बोलते जबकि कहते हमने पूरा घोड़ा बना दिया। तो जानवरों की पेंटिंग बड़ी भारी है, जानवरों को चित्र बनाना इंसानों की इंसानों की इंसानों से भी ज्यादा कठिन कठिन है। अगर उसमें वास्तविक तो आप जैसे घोड़ा है तो घोड़े की हर चीज को, टांगों को, उसके उतार चढ़ाव, उसकी बॉडी को, उसके मुकुटे को, उसके नाक को, उसके मुख की कानों को, उसके बालों का, उसके पूंछ का, उसकी बॉडी का उतार चढ़ाव। तो हमें क्या है, क्या पता हमारे में खानदानी पेशे की उनको कला भरी हुई है कि हम क्या है कि उसकी बारीकियों में खो जाते हैं। तो हमें नहीं देखता हमारे को कितना पैसा मिलेगा, कितना समय लगेगा, क्या बचेगा, बाकी बारीकियों में ऐसे खो जाते हैं कि उसकी हर चीज को बाहर निखार उसमें निखार लाना चाहते हैं। जैसे महापुरुषों को भी चित्र बनाते हैं, महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अम्बेडकर साहब है, अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, दीनदयाल जी, अटल जी है, आडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी के, इन चुनाव में अपने गलत साहब हैं, इंदिरा गांधी है, राजीव जी गांधी है, इनके जैसे जैसे शासन काल आते गए इनके सबके हमने बड़े बड़े अब तो ऑफसेट मशीनें चल गई, उस टाइम चुनाव के टाइम बड़े बड़े होर्डिंग बनाते थे हम इनके सीएम टू कैंडिडेट के चेहरे, और ये जो बड़े नेता लोग होते थे बैर सिंह जी शेखावत के हमारे गाँव में नाथू सिंह जी चुनाव लड़ने आए थे 1985 में, उसके बाद में दोबारा चुनाव लड़ा। उस टाइम में हमने कांग्रेस वाले ने उस जमाने में 12,000 रुपये की पेंटिंग कराई थी, और मैं बीजेपी संघ की वजह से भाजपा से थोड़ा सा मेरा जुड़ाव था, और नाथू सिंह जी ने मेरे को प्रचार प्रसार का काम दिया था। मैंने मात्र 6,000 रुपये में उस 12,000 की पेंटिंग को पीट दिया था, वो फीकी नजर आती थी, और गाँव के अंदर उस पेंटिंग का एक मैंने बैनर बनाया था, तो वो बैनर नाथू सिंह जी की जीत का आसार बन गया। और वो बैनर को देखने में पब्लिक उमड़ती थी, मानक चौक में लगाया था, बहुत लंबा चौड़ा था, वो 60 फीट लंबा बैनर था और करीबन 15 फीट ऊंचा था। तो उसको बलियां लगा के दीवार से दूर खड़ा किया था, तो रात को भीड़ मड़ी रहती, लोग उसको देखने आते थे। उसके दो कोने पे एक पे आडवाणी जी और एक पे अटल जी का था, और बीच में बैर सिंह जी का चित्र था, और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ऐसा चुनाव में दिन रात खूब मेहनत की, उस जमाने में 5 रुपये बैनर देते थे हमारे को, तो दिन रात लगे रहते थे। और उसके बाद में एक तो हमारे क्या कि जो मशीनरी युग आ गया, अब ऑफसेट की मशीनों से हमारे बहुत से काम छिन गए, लेकिन फिर भी मेरा तो अनुभव ये कह रहा है कि काम करने वाले को काम की कमी नहीं है, और हमारे पास कभी काम की कमी आएगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पेंटर साहब। मेरा अगला सवाल आपसे है कि डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब के कार्यकाल में आप टोडा राय सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग का काम किया कोरोना के काल में, फिर दूसरा दौर में भी आपने निशुल्क पेंटिंग का कार्य किया, इस मुहिम के पीछे किसका हाथ रहा, किसकी प्रेरणा मिली, हमें जानकारी दें। नेगी साहब के समय में डॉक्टर हमारे जो यहाँ के अधिकारी थे डॉक्टर साहब डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, मैं इनको जब हमारे टोडा राय सिंह सर्वप्रथम में नायब तहसीलदार बन के आए थे, तो इनका जो क्वार्टर हमारे मकान के पास में, उस समय से हमारी इनकी अच्छी जान पहचान थी। उसके बाद में फिर ये उपखंड अधिकारी बन के आए, तो ये हमारे कला से प्रसन्न थे, और उस पे मेरे को कई बार काम करने के लिए मेरे को खुद बुलवाते थे, काम भी करवाते थे। और इनका साहित्य मंच से जुड़ाव होने के बाद में हमारे जो राजेंद्र शिव प्रकाश जी उर्मी साहब हमारे क्लास पर साथी भी है, और हमारे राजेंद्र जी भाई साहब, तो इन लोगों का हमारे शुरू से जुड़ाव रहा। तो हम हमारे तो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और हमारा जो प्रयास था तो हमने कोरोना का साहित्य मंच के बैनर तले काम किया, और अभी हमारे जो SDM साहब है सुश्री रूबी जी अंसार, अभी 2021 में ही कोरोना का मेरे को ऐसा लगा कि ये अपन भगवान ने अपने को कलाकार बनाए हैं, तो क्यों ना इस कला का उपयोग करके अपन जनता को अपनी तरफ से जो हो सकता है वो संदेश दें,
तो मेरे मन में खुद के स्वयं प्रेरणा से ऐसी भावना जगी कि अपने को घर नहीं बैठाना चाहिए, और ये वॉल पेंटिंग का काम मैंने दीवारों पे करना चालू कर दिया। और मैंने अपने यहाँ के उपखंड अधिकारी जी का भी दक्षिण लगाते हुए का उनके कार्यालय पे चित्र बनाया, उसके बाद में हमारे स्वराज सिंह के चेयरमैन साहब का भी बनाया, हमारे विधायक साहब का भी बनाया, हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का भी बनाया, और जैसे जैसे और इन डॉक्टर लोगों का, पुलिस वालों का भी हमने जगह जगह बहुत उनके भी बड़े बड़े चित्र बनाए, अच्छे अच्छे उनके कोटेशन खुद तो हमने टीवी वगैरह से भी लिए, कुछ हमने हमारे, मैं हल्का फुल्का कभी भी हूँ बना लेता हूँ टूटी फूटी हिंदी में कोई नारे वगैरह, तो मैंने स्वयं प्रणाश में कुछ नारे बना के, तो वो लोग कहते थे यार पेंटर साहब आप नारे कहाँ से लाते यार, ये तो कहीं हमने सुनी नहीं, तो मैंने कहा ये सब भाई कुछ तो मेरे बनाए हुए हैं, कुछ मैंने कहा अखबारों में उनके माध्यम से चल रहा है, मैंने कहा तो वैसा लोगों को खूब पसंद आया और लोगों ने मेरे को खूब मेरे साधुवाद की भी प्रशंसा की और मेरे को खूब धन्यवाद दिया, और मेरे काम से प्रेरित हो के और मेरे काम से बहुत सबसे ज्यादा मैं साहित्य मंच वाले को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरे को साहित्य मंच द्वारा उपखंड अधिकारी यहाँ बुला के और मेरा मान सम्मान किया और मेरे को उपखंड अधिकारी से सम्मानित करवाया, और उसके बाद में 15 अगस्त 2021 को उपखंड अधिकारी ने भी मेरी सराहनीय सेवाओं के लिए साधुवाद के लिए मेरे को उपखंड में मेरे को सम्मानित किया। अब लोग कहते थे पेंडे साहब आपके ऐसे क्या थी कि आप निःशुल्क काम करो, क्या इसमें चलो मेहनत नहीं तो रंग का पैसा, लेकिन क्या पता मेरे बाद में कोई अनुताय साधुवाद पैदा हो गया, मैंने रंगों की परवाह की, मैंने कहा जो अरे मैंने कहा जब सेवा सबसे बड़ी है तो रंगों का क्या है, मैंने कहा बीमार भी हो जाते हैं 10-5-20 हज़ार रुपये बीमारी में लग जाते हैं, तो अपन मानो ये सेवा सही, तो मैंने सर ऑयल पेंट की पेंटिंग की, उसमें बहुत खर्चा आता है और दीवारें बड़ी बड़ी लिखी, और मैंने ये नहीं कहा अपन फिल्म में निकले भाई चालू राइटिंग में कर देंगे चालू फोटो बना दे, यानी मेरे को दूसरी नगर पालिकाओं से भी टेकड़ी नगर पालिका मालपुरा नगर पालिका से बुला हुआ है कि पेंटर साहब आपसे थोड़ा भी बहुत बढ़िया प्रचार करो, ज्यादा नहीं तो अरे आप 10-5 दीवारें तो हमारे नगर में भी ऐसी बना जाओ, लेकिन मैं अपने नगर के से मेरे को ज्यादा ही प्यार था, और गर्मी का जून में भयंकर लू और गर्मी के मौसम में बाहर निकलना बड़ा दुभर था, और फिर कोरोना का तो भयंकर डर ही था क्योंकि लोग मर रहे थे देख रहे थे, लेकिन भगवान ने मेरे को अनोखी शक्ति दी कि मैंने न कोरोना की परवाह की न धूप की परवाह की न अपने स्वास्थ्य की परवाह की, और भगवान ने मेरे को बिल्कुल अद्भुत शक्ति दी और मैं उस काम में सफल हुआ, और मेरे को लोग कहे पेंटर साहब आपको इस मेहनत का इनाम तो ये दुनिया के इनाम भी जाएगा, ऊपर वाला ऐसा इनाम देगा कभी नहीं बीतेगा, अब मेरे को पूरी आशा है कि ईश्वर मेरी सुन रहा है और सुनेगा, क्योंकि कभी निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम व्यर्थ नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद पेंटर साहब, आपने कोरोना काल में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की है, उसी की बदौलत हमारे उपखंड अधिकारी महोदया द्वारा आपको 2021 में सम्मान दिया गया। इसके साथ ही पेंटर साहब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आजकल गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी रावण बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूली विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं रावण बनाने से उनके हाथ से गलती हो जाए और उसका खामियाजाना बच्चों को भुगतना पड़े, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि हम भी इतने बड़े पैदा नहीं, हम भी बचपन हमें भी देखा है बचपन में हम भी छोटे छोटे थे, तो हम भी फरडे जो आते ना जानवरों के खाने का चारा जिसको फरडा बोलते हैं हमारे टोडा में, तो उन फरडों के पुट्टों के गलियों में छोटे छोटे रावण बना के गली चौराहे पे जलाते थे, उस जमाने में 10 पैसे के बहुत फटाके आ जाते थे, 10 पैसे के फटाके ला के उसमें डाल देते थे और उसको जला के बहुत आनंद आता था, मोहल्ले के 2-5 बच्चे इकट्ठे हो जाते 10-5 हो जाते, बड़े बड़े लोग भी देखते थे, वैसे
वैसे बचपन में सबको रहता है, मेरे को भी शौक था छोटे छोटे राउंड चलाने का। तो ये अभी नई बात नहीं है कि हमारे समय से गली मोहल्ले में चलते आए दराते हैं, अच्छी बात है, बचपन में अपने को सब शौक पूरा करना चाहिए। लेकिन जहां तक है कि देखो बचपन का शौक एक अलग होता है और अब ये अनुभव होता है कि कोई आदमी मान लो अगर उसको अनुभव है, उसको वो चाहता है कि मैं राउंड बनाना सीखूं, बड़ा होकर भी मैं राउंड बनाने के ठेके लूं, राउंड बनाऊं, अच्छी बात है सीखूं। लेकिन इसमें सावधानियां भी बहुत जरूरी है कि बचपन में आप फटाके लगाए, गलती से कोई फटाके आपकी आंख में या आपके किसी शरीर के किसी भी अंग में तो गिर जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि ये जो चित्रकारी का काम हो, राउंड का काम हो या दुनिया का कोई सा भी काम हो, यानी आंखें हैं तो सब कुछ है, आंख है तो ध्यान है, वरना कुछ भी नहीं है। तो आंखों को तो विशेष तौर से आपको बचा के रखना ही है और अपने शरीर को भी, शरीर के हर अंग को, हाथों को, पैरों को, शरीर को, मस्तिष्क को, सबको, अपने स्वास्थ्य का भी इसमें ध्यान रखना ही है। इसमें आतिशबाजी के अंदर कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ वगैरह रसायन मिले हुए आते हैं, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी खराब रहते हैं, आंखों के लिए भी खराब रहते हैं। तो जहां तक हो मेरा सुझाव यही रहेगा, ये एक फिजिकल भी है, और आतिशबाजी का कम से कम प्रयोग करें, और आतिशबाजी लगाए तो राउंड से कम छोटी आतिशबाजी 10 फुट दूर रहे, ज्यादा बड़ी आतिशबाजी तो कम से कम 50 फुट दूर रहना चाहिए। कि आतिशबाजी का कोई भरोसा नहीं है, आंखों में उसमें कंकड़ भी होते, फटाके अंदर मुछड़ के आते आंखों में चले जाते, बहुत बुरी लगती बहुत दूर से। जैसे रॉकेट वगैरह है, आकाश चिड़िया है, इनका कभी राउंड के पुतलों में बच्चे कर लेते हैं भूल से कि रॉकेट लगा दी ऊपर जाएगा छूटेगा, या आकाश चिड़िया बहुत सुरराटे से निकलती है, तो ये इनका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान अपने लिए भी नुकसानदायक और दूसरे के लिए भी नुकसान है। दूसरों की आंखों में भी जा सकती है, दूसरे के बगल में घुस जाती है। हमारा एक साथी था, वो दिवाली के दिन दिवाली का मेला देख रहा था, तो एक जनरल रॉकेट लगा दिया तो उसकी आंख में घुस गया, उसकी आंख पूरी खराब हो गई। उसने उस जमाने में 60,000 रुपए लगा दिए जयपुर में जाके, लेकिन उसकी आंखें आज तक सही नहीं है। तो आंखों को बचा के रखो, आतिशबाजी का तो उपयोग मैं कहता हूँ बहुत ही कम करो, मत करो, और करो तो दूर करो और छोटे पटाखे रखो, यहाँ नहीं करे। और अगर राउंड को आप कमर्शियल व्यापारिक दृष्टि से लो तो वैसा बहुत बचपन में बहुत बनाते हैं, वो बात की बात है। आप राउंड बनाओगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, अध्यापक बनोगे या व्यापारी बनोगे, तो फिर कोई बात नहीं। मैंने आज अंदर किसी को राउंड मैं देख रहा हूँ, मेरे बात तो कोई तैयार नहीं है, हो नहीं रहा। अब मैं तो चाहता हूँ कोई हमारे बच्चे भी है बना रहे हैं, अब मैं तो उनको ये कहता हूँ मेरे कहना राउंड होने के चक्कर में मतलब भैया को कोई दूसरा काम पकड़ लो। तो अगर कोई सीखता अपनी प्रेरणा से बना तो अच्छी बात है, बनाओ। बाकी आतिशबाजी का विशेष ध्यान रखो, और राउंड का रिस्की धंधा है, मेरे तो मेरा जुनून मान लो, या मेरे को बनाते बनाते एक अनुभव हो गया, इतने वर्ष हो गए तो आउट आ रही है आउट देसी भाषा में, उस हिसाब से काम बढ़ा रहे थे। बाकी काम बड़ा कठिन है, लगने में सरल ही लगता है, बाकी इसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तो जब आप स्वयं बनाओगे तब आप ही कहोगे यार कौन से चक्कर में आ गए यार। बहुत बहुत धन्यवाद पेंटर साहब, आपने स्कूली विद्यार्थी और युवा पीढ़ी को ये जो पटाखे है, ज्वलनशील पदार्थ है, इनसे बचाव के कुछ उपाय बताए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमारे समाज सेवी श्री राजेंद्र प्रसाद जी विजयवर्गीय आपके बहुत ही नजदीकी में है, आप उनसे किस प्रकार की समय समय पर प्रेरणा मिलती रही है जिनसे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता गया और आज इस मुकाम पर आप पहुंच पाए? 2003 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का मेरे को यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने टोडा ब्लॉक का दीवार लेखन का कार्य दिया था, और मेरे को 140-150 विद्यालयों के अंदर वो दीवार बनानी थी सर्व शिक्षा अभियान की। उसके अंदर 5 लाइनें थी और पेंसिल के ऊपर बैठे हुए बच्चे बच्चे के चित्र थे, सब पढ़ो सब बढ़ो सर्व शिक्षा अभियान। और वो कोई विदेश से बन के आया था, या हिंदुस्तान का बना हुआ नहीं था, उसका प्रफॉर्म और डिजाइन विदेशी थी। तो मेरे को यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी ओम प्रकाश जी तोसनी वाले थे, उन्होंने बोला कि हमारे में एक दीवार बना के बताओ, अगर आपका काम पसंद आएगा तो हम आपको पूरे ब्लॉक के अंदर दीवार लेखन का काम देंगे और आपको विद्यालय में जाके दीवार लेखन करना है।
तो साहब हमने सबसे पहले कोड़ा राइटिंग में हमारे तेजादी के चौक में विद्यालय है, साथ में विद्यालय था, उस विद्यालय में हमने एक दीवार बना के और ओम प्रकाश जी तोसनीवाल को दिखाई और वो दीवार लेखक को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने बोला कि अब आप ऐसा है, आप पूरे ब्लॉक के अंदर ही है दीवार लेखन करो। तो मैंने शुरू में दीवार बनाए तो एक दिन में मैं दो ही दीवार बना पाता था और दो दीवार में हमारे को 200 रुपये हिसाब से 400 रुपये बनते थे। अब उसमें रंग पेंट खर्चा सारा होता था। अब 150 दीवारें बनाना, अलग अलग गाँव है, उनियारा खुर्द कहाँ है, सवारिया कहाँ है, पुआलिया कहाँ है, मांदोड़ा ये इधर अपने बासेड़ा कहाँ, घरेड़ा कहाँ है, अलग अलग गाँव में चारों दिशाओं में खड़ोली है, डाबरनुमा है, इनके सारे विद्यालयों के अंदर प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं विद्यालयों में प्राथमिक उच्च प्राथमिक और राजीव गांधी विद्यालयों में हमारे को दीवार लेखन करना था। तो मैंने करीबन 60-70 दीवारें लिखने के बाद में मेरे सामने गर्मी का मौसम था, उस गर्मी में लू के अंदर बाहर जाना, रोज आना फिर जाना बनाना, मोटरसाइकिल मेरे को चलाना आता नहीं था, मेरे साथ मोटरसाइकिल चलाना, इन भाई साहब ने को मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी सी हमारी मदद करो और मेरे साथ एक सप्ताह से लेकर 10 दिन मेरे को थोड़ा सा साथ दे दो तो मेरा ये काम नहीं मर जाए, तो मेरे को पेमेंट देगा नहीं, तो मेरा ये जो बाकी का भुगतान है ये काम मेरा लेस हो जाएगा और मेरे को भुगतान नहीं मिलेगा, बहुत परेशानी आएगा, तो मैं काम का कोई पैसा नहीं था। तो भाई साहब ने, मैं इनको साधुवाद के पात्र धन्यवाद देता हूँ, इन भाई साहब ने बिना किसी सोचे समझे इन्होंने हाँ कर दी और हम दूसरे दिन सुबह जल्दी नहा धो के और गाँव की ओर विद्यालय की ओर चल पड़े और हम एक दिन में 3 दीवार बनाते थे, इन्होंने मेरे को हिम्मत बना के 4 दीवारें और 4 से मेरे को 5 दीवारों पे ले गए और मेरे को पोतने में और मेरे को गोल गोल बोल के दिखाने में, रंगों को समेटने में और गाड़ी को चलाने में, कल रास्ते में हम अल्पाहार चाय चाय पानी नाश्ता भी करते थे। तो इनकार हमारा इतना वो रहा है कि मैं कहता हूँ शायद मैंने अपने सगे भाई को भी बोला था, मैंने भैया मैंने कहा तेरे को आधे पैसे दे दूंगा तू मेरे साथ चल, उसने बोला भाई साहब 2-4 दिन टाइम नहीं है फिर मैं चलूंगा, लेकिन मेरे को 2-4 दिन की तसल नहीं थी क्योंकि मेरे को तो आगे से तड़ी पिल रही थी और मेरा पैसा गर्मी का टाइम था और इस भाई साहब ने मेरे सगे भाई से भी ज्यादा साथ देके और मैं इनका ये हिसाब अपने ता उम्र नहीं भूल सकता और इनका हमारा कोई जन्म का नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे अंतरात्मा बहुत शुद्ध है और इनका हमारा सकता है कि इस जन्म में तो हम असली सगे भाई नहीं है, बाकी हो सकता है कि हम पहले भी अगले भाई थे और आने वाले समय में भी सगे भाई थे। बहुत बहुत साधुवाद पेंटर साहब। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप के अंदर जो कला है, हुनर है, अब तक आपने अपने परिवेश के युवा पीढ़ी को इस कला को किन किन के हाथों में आपने पहुंचाया है या उनको प्रेरित किया इस कला की ओर, ताकि वो भी आने वाले समय में अपने कला का प्रदर्शन कर सके, ऐसे युवा पीढ़ी को किस प्रकार से आपने प्रेरित किया इसके बारे में? चित्रकारी का कोई नहीं है वो शौक नहीं हो, क्योंकि चित्रकार नहीं बनना चाहिए, आगे जाके वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, वो किसान भी बन सकता है, बाकी हर आदमी चाहता है कि मैं भी एक अच्छा चित्रकार बनूं, मैं व्यवसाय कर लिया ना, तो उससे क्या होता है कि हर आदमी बच्चा शुरू से जाता है वो भी कुछ ना कुछ लकीटे करता रहता है और लकीटे इसमें रेखाओं में लकीटे में बहुत से चित्र छुपे होते हैं, इन जो आकाश में भी अगर अपन बाहर लोगों को देखते हैं तो इनमें भी कई आकृतियां ऊंट की, नार की, घोड़े की, गधेड़े की, विभिन्न प्रकार की आकृतियां छुपी हो रहती है और अपन उसकी जब आकृति को निहारते हैं तो अपने को कई आकृतियों में, कई डिजाइनों में, कई चीजों में, पशु पक्षियों में नजर आती है, कभी मगरमच्छ आता है, कभी क्या आता है, वो बिगड़ती रहती है, बनती रहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जब सड़क में बैल चलता है ना वो पेशाब भी करता है तो वो भी ड्राइंग कर देता, उसे भी ड्राइंग बन जाती है रोड के ऊपर, तो उसे भी प्रेरणा, सीखने वाला तो कहीं से भी सीख सकता, आसमान से भी सीख सकता है, धरती से भी सीख सकता है। दूसरी इसमें मैं बहुत से परिवारों से मेरा
बहुत लगाव रहा उनके बच्चों को। वो कहते थे पेंटर साहब के पास में जाओ, पेंटिंग सीखो, हमारे बच्चों को भी सिखाओ। मैंने सभी को ये कहा, मैंने कहा मैं पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ इनके पास में समय हो तो मेरे पास में आ सकते हैं, बाकी पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर पढ़ाई की चीज में समय में आप अगर आपका ध्यान कहीं भटक गया है, दूसरे काम में डाल दिया, तो देखो हर स्वभाव के हर आदमी के मानव स्वभाव में एक लालच होता है, वो देखे यार इसमें 1000 रुपये रोज कमा रहे तो अपन पढ़ाई करके क्या करेंगे, अपन छोड़ो इस काम को, तो पढ़ाई में लापरवाह हो जाएगा और पीछे रह जाएगा। तो विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, साथ में चित्रकारी का अगर उसको शौक है पेंटिंग बनाने का करना चाहिए, घंटे दो घंटे रोज, आधा घंटा जब भी उसको समय मिले पढ़ाई के अलावा, तो बैठ के अभ्यास करना चाहिए। यानी कलाकार आदमी गुजारे इस दुनिया में, कला से कोई वंचित। अब मेरे पास में जो भी आए उन लोगों में से कई ने काम पकड़ा है, कोई मूर्तियों की पेंटिंग कर रहे, कोई मूर्तियां गढ़ रहा है, कोई वॉल पेंटिंग कर रहा है। अब ये इसमें मेरा अनुभव ये कहता है कि इसमें सिखाने का कुछ भी नहीं है, ये आदमी में जितनी उसकी दिमाग की, इसमें मानव मस्तिष्क में जो दिमाग की शक्ति जिसकी जितनी तेज है ना तीव्र बुद्धि, वो आदमी इस कला में उतना ही आगे बढ़ता है, जिसकी मंद बुद्धि है वो इस क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कल्पनाओं के आधार पे काम चलता है यार, जैसी आपके मस्तिष्क में कल्पनाएं पैदा हुई आप वैसी ड्राइंग करो, वैसी चीजें बनाओ। हमने रावण की सारी कल्पनाएं इस मानव मस्तिष्क से किए, हम बहुत सी नई 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 आविष्कार किए। पहले जमाने बांस के रावण बनते थे, बांस के खपन जो घोड़े बनते थे, हमने इसमें नई नई डाले, नई नई उठे, नई नई चीजों से नई नई चीज बनाना सीखा, नई नई कलाई, नए नए कपड़े, पहले पुराने कपड़े लगाते थे अब नए कपड़ों का उपयोग करने लग गए। वैसे मूर्ति पेंटिंग में भी वर्कों की पेंटिंग है, सोने चांदी की वर्कों की पेंटिंग है, मंदिरों के अंदर है कांच का काम है, सोने चांदी की जड़ाई का काम है। तो ये काम एक क्षेत्र होता है, ये तो कोई भगवान माँ सरस्वती का मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा रही है कि कलाकार अपने एक क्षेत्र होता है, लेकिन उस भगवान ने मेरे को क्या पता है किस मुहूर्त में कोई ऐसी घड़ी में मेरे को जन्म दिया है कि मैंने मेरा क्षेत्र कोई बंधा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उसमें मूर्ति पेंटिंग में भी, कभी हमारे टोराइज में मूर्ति का धंधा है, जयपुर से पेंटर आते थे रंग करने, लेकिन मैंने अपने मानव मस्तिष्क से दिमाग को लड़ा के और अपने हाथ की हुनर की सफाई से यहाँ हमारी मूर्ति 10-20 दुकान है और इनकी मूर्तियां रंग रंग के मेरी बाहर कहीं जगह बूंदी कोटा जयपुर जोधपुर जहां भी इनका ऑर्डर होता था, यहाँ तक कि यूपी एमपी में भी झांसी वगैरह कई जगह मूर्तियां कहीं बड़ी बड़ी 10-10 फुट की 20-20 फुट की। और मेरा तो पोर्ट्रेट के अंदर तो यह अनुभव रहा है कि हमारे अब भी मूर्ति वाले मूर्तियां बना देंगे, मूर्तियां फेल हो जाती, और मैंने जिसका भी आज तक पोर्ट्रेट पे रंग की उनकी एक भी दुकानदार की मूर्ति यहाँ है ही नहीं, वो सब उसको क्या पता माता आशीर्वाद सरस्वती का कि जिसके हाथ लगाए उसके फोटो बन जाती है, और कहता मेरी फोटो वैसा फेल। और कहीं के तो मूर्तियां फेल हो गए थे, बहुत से ग्राहकों को तो ये कहते हैं भाई साहब आप टोड़ा में थे सारे गर्म फूटे आपको जयपुर से लाते हैं पेंट, मैंने कहा उनको पूछ रहे इनका विषय मेरा नहीं। तो ऐसा है कि माँ सरस्वती का इसमें विशेष आशीर्वाद होता है, वही आदमी से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत साधुवाद पेंटर साहब, आपने आज इस वार्ता के लिए आप उपस्थित रहे, युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिली, रावण के बारे में आपने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे रावण तैयार होता है, तो सारी तमाम बातें आपने आज इस वार्ता के दौरान बताई, आपका पुनः मैं साधुवाद देता हूं। और साथ ही जंतरोकार मंच एवं साहित्य मंच का आभार प्रकट करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने पेंटर साहब को मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद।